हेलो गाइस, वेलकम टू मॉडर्न एक्टिक्स। गाइस, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस गाड़ी के प्राइजेस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस एंड मोर ओवर आपको इस पर कितनी रेंज मिल जाती है। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द वेरी एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन की। यहाँ पे आपको गाड़ी के जो डिज़ाइन है वो फ्रेश लुक से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इस गाड़ी का। पर्सनली अगर आप इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा। मैं बात करूँ इसके फ्रंट डिज़ाइन के, यहाँ पे आपको फ्रंट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करा दी गई हैं। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिलता है जो कि क्रोम में है। अंडरनीथ यहाँ पे आपको एक कैमरा दिया गया है, क्योंकि बेसिकली इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा अवेलेबल कराया गया है, तो उस वजह से यहाँ पे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये कनेक्टेड DRL यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इस DRL के बारे में एक खास चीज़ आपको बताऊँ तो ये DRL जो है, जब आप गाड़ी को चार्ज में लगाते हो तो ये चार्जिंग भी शो करता है। जैसे अगर आपकी गाड़ी इतनी चार्ज है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कुछ परसेंटेज जैसे वहाँ पे शो करेगा। अगर फुल 100% शो है तो ये पूरा का पूरा DRL ग्लो करेगा। उसी के साथ यहाँ पे आपको ये LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विथ LED DRLs। तो ये डुअल फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अंडरनीथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प का पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ये पूरा का पूरा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है लो बीम हाई बीम के लिए। और अंडरनीथ यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। और ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये गाड़ी की एरोडायनेमिक को इन्हेंस कर देता है, जो कि गाड़ी को एयर ऐसे यहाँ से पास होती है, तो गाड़ी को आपको बेहतर स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको एक स्किड प्लेट यहाँ पे अंडरनीथ देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है। और ये काफ़ी टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो। और 2 पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पे फ्रंट में अवेलेबल करा दिए गए हैं। बात गाड़ी के साइड प्रोफाइल की जाए तो साइड से गाड़ी में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन जो जो चेंजेस किए गए हैं मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो साइड से आप सबसे पहले तो यहाँ पर नोटिस करोगे कि आपको ये 16 इंचेस के फ्रेश अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको डॉट ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पे आपको देखोगे इसका ORVM, तो ये पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको अवेलेबल करा दिया गया है विथ LED ब्लिंकर्स। और यहाँ पे आपको एक कैमरा की प्लेसमेंट मिल जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा मिलता है, वैसे इस गाड़ी में कुछ कैमरे अवेलेबल करा दिए गए हैं। यहाँ डोर हैंडल आप देखोगे तो ये बॉडी कलर आपको मिल जाता है विथ रिक्वेस्ट सेंसर। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अच्छी कर दी गई है, कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी की जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो उस टाइम पर आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। बात गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की करें तो आपको 208mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। और ये क्लैडिंग आपको यहाँ पे साइड में मिल जाती है, जो कि अगर आप यहाँ पे बॉटम इसका देखोगे तो ये रफ फिनिश में देखने को मिलता है, ऊपर का पार्ट जो है वो ग्लॉस फिनिश में यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है। और ये व्हील आर्चेस भी आपको मिल जाती हैं, जो कि रफ फिनिश में अगेन अवेलेबल करा दिया गया है। तो व्हील आर्चेस भी गाड़ी में आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। और इधर आप ये देखोगे ये फीचर लाइन इसकी, तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाती है, जो कि ओल्ड टाटा नेक्सॉन में आपको ब्लू कलर में मिल जाती थी। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 25 ईयर्स टाटा सेलिब्रेशन का लोगो इधर देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स अवेलेबल करा दी गई हैं। और अब देख लेते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को, कि रियर से आपको गाड़ी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बात करें टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी की रियर प्रोफाइल की, तो रियर में तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना अवेलेबल कराया गया है, और ये स्पॉइलर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको ये डिफॉगर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको कोई वाइपर देखने को नहीं मिलता है। या दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई वाइपर देखने को नहीं मिलता है, सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वाइपर इसका यहाँ पे आपको नीटली प्लेस किया गया है, जो कि स्पॉइलर के अंदर नीटली प्लेस किया गया है, जो कि एक अच्छा टच है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो अगर आप गाड़ी कहीं पर पार्क करते हो तो जो छोटे बच्चे वगैरह हैं तो उसको वो खेल लेते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी यहाँ पे वाइपर की प्लेसमेंट दी गई है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई वॉशर अवेलेबल नहीं कराया गया है, वो एक चीज़ यहाँ पे है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल करा दिया गया है, टाटा का लोगो आपको क्रोम में देखने को मिल जाता है, नेक्सॉन की बैजिंग अगेन आपको क्रोम में देखने को मिल जाती है, और डॉट ईवी की बैजिंग आपको जो है वो ब्लू कलर में देखने को मिलती है। इधर आप देखोगे तो इधर आपको ये पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि नंबर में 2 हैं। और अंडरनीथ यहाँ पे आपको ये काफ़ी स्पोर्टी सी स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, जो कि गाड़ी को स्पोर्टी लुक देने की पूरी कोशिश करती है। और इधर आप देखोगे तो ये एलिमेंट जो है ये गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी बना देता है। और इधर आप देखोगे तो ये आपको इधर रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, और ये
रिवर्स लाइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अब इस गाड़ी में एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको पहली नज़र में लगेगा कि वो फीचर्स इसमें अवेलेबल ही नहीं कराए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप पहली नज़र में देखोगे तो आपको वाइपर दिखने ही नहीं वाला है, वो नीटली प्लेस किया गया है स्पॉइलर के नीचे। और अब आप देख के इसको बोल रहे होगे कि इसमें तो हाई माउंट स्टॉप लैंप भी नहीं अवेलेबल कराया गया है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे नेटली प्लेस की गई है टाटा के लोगों की जस्ट ऊपर, वो भी इतना सा, तो वो एक चीज़ यहाँ पे है। और अब इसके बूट की बात कर लेते हैं, तो इसके बूट में आपको स्पेस मिल जाती है 350 लीटर्स की। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे इसका तो बूट जो है काफ़ी इंगेज किया गया है। इधर आपको ये पार्सल ट्रे वगैरह भी अवेलेबल करा दी गई है, और यहाँ पे आपको ये देख रहे हो बूट लैंप आपको अवेलेबल करा दी गई है। ये डुअल ट्विंग मतलब डुअल हुक्स अवेलेबल करा दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक JBL का सब बूफर भी दे दिया गया है। और इधर आप देखोगे तो ये आपको दो हुक अगेन मिल जाते हैं, और ये चार्जिंग का सॉकेट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ये चीज़ अवेलेबल करा दी गई है। और अंडरनीथ आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि अगेन स्टील व्हील है। और 60-40 स्प्लिट सीट का फंक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप 60 या 40 जो भी आप जैसे भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे स्प्लिट करके आप इसका जो है बूट एक्सेस कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स की, कि वहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं, क्या अब भी ये गाड़ी पुरानी नेक्सॉन जैसी ही है और कितनी बेहतर है पुरानी नेक्सॉन से। लेट्स गेट इनसाइड द कार। तो गाइस अब आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर्स पे। तो गाइस इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं वो एकदम फ्रेश आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इस गाड़ी के अंदर बैठ के इसके इंटीरियर्स को देखते हो तो आपको लगेगा कि आप कोई बेहद प्रीमियम कार के अंदर बैठे हुए हो। लिटरली गाइस इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं वो बेहद प्रीमियम है। आपको पूरा का पूरा टच स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 12.5 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। और इधर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि पूरा का पूरा डिजिटल है। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे नॉर्मली कार्स में जो है लोगोज होता है उनके जो भी मैन्युफैक्चरर के होते हैं, तो यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कार की की ऑन करते हो ना तो यहाँ पे उसका जो लोगो है वो ग्लो करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिली। स्टेयरिंग आपको पूरा का पूरा डी कट में देखने को मिल जाता है, उसी के साथ ये पूरा लेदर रैप्ड है, तो इसका जो फील है वो काफ़ी अच्छा है। और इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ये टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, लेकिन टिल्ट का एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। मतलब आप हाइट के लिए इसको एडजस्ट कर सकते हो, रीच के लिए इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नॉब है, गियर नॉब है, इसमें आपको रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग, ये सारे मोड्स यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ये कितना प्रीमियम लग रहा है गाइस, ऐसा मैंने मर्सिडीज़ वगैरह की कार्स में ये चीज़ देखी है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा फील देने वाली है। ये इधर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा टच में है, ये पैनल सो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, जहाँ पे आप ये पूरा टच करके इनका कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ये 12.5 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और ये पूरे एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी अवेलेबल करा दिया गया है, और ये पूरा आप देखोगे तो ये आपको लेदर फिनिश में देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और ये टेक्सचर्ड है जिसका फील जो है ना बहुत ही अच्छा है अगर मैं बात करूँ तो। दूसरी चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको टोटल 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स और एक JBL का सब बूफर भी अवेलेबल करा दिया गया है जो कि इसके बूट में है। बाकी स्पीकर्स डोर्स के अंदर अवेलेबल करा दिए गए हैं। इधर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड का एक स्विच दे दिया गया है। यहाँ पे आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। तो ये 3 मोड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है जो कि बेसिकली डायल टाइप में है, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है इधर। और इसके IRVM की बात करें तो IRVM आपको ऑटो डिमिंग मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं इधर, ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे। और इधर आपको ये सनरूफ का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ये आपको SOS के स्विच इधर देखने को मिल जाते हैं, और ये आपको ये रीडिंग लैंप का स्विच इधर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। सन वाइजर्स की बात करें तो सन वाइजर्स पे आपको अगेन कोई मिरर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, टिकट होल्डर मिलता है बेसिकली इधर। और को ड्राइवर साइड बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको एक मिरर मिल जाता है, जहाँ पे आपको कोई लाइट का प्लेसमेंट भी अवेलेबल नहीं कराया गया है। और इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ये एक्सटेंड नहीं होता है, बस इसे आप यहाँ तक ही इसको कर सकते हैं, बाकी एक्सटेंडेबल नहीं है ये, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। बाकी इसका आपको सीट बेल्ट जो है वो आपको एक्सटेंडेबल मिल जाता है, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसका सीट बेल्ट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि बेसिकली स्लाइड नहीं होता है, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा सॉफ्ट टच में अवेलेबल कराया गया है।
और उसके नीचे आपको एक डीप स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसमें छोटे मोटे बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, आप फ़ोन वगैरह तो यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ये पैड अवेलेबल करा दिया गया है। और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे भी आपको ये स्पेस थोड़ी सी मिल जाती है। 12 वोल्ट का जो है एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको दे दिया गया है, एक USB पोर्ट है और एक 45 वॉट का ये शायद टाइप सी जैक दिया गया है। और इधर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, एक वेंटिलेटेड सीट्स ड्राइवर सीट ही मिलती है आपको, को ड्राइवर सीट और बाकी कोई इधर सीट वेंटिलेटेड यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं कराई गई है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और इधर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, एज वेल एज यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। इधर वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को आपको मिल जाते हैं, और इधर साइड आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ बात करें इसमें तो आपको पेडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम के लिए है, है ना। तो और अब बात कर लेते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स खोलने का प्रोविज़न नहीं दिखेगा, जो कि बेसिकली यहाँ पे आपको एक स्विच दे दी गई है तो वो कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट ओपनिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। और अगर आप इसे चाहो तो अगर कोई आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आप यहाँ पे आप कप होल्डर्स के जैसा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वॉलेट वगैरह या कोई स्टफ़ है तो उसे पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये एक टाइगर का लोगो देखने को मिल जाता है। और दूसरी चीज़ इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अपना टैबलेट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह रख सकते हैं। और ये इल्यूमिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, अगर आप नाइट के टाइम पे इसको एक्सेस करते हो तो वहाँ भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। और ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। डोर्स की प्रैक्टिकलिटी की बात करें कि आपको डोर्स के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन सी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एक इतना लंबा एक छोटा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप आधा लीटर या एक लीटर की बोतल आप रख पाएंगे। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिल जाता है, आप छोटा सा अम्ब्रेला भी यहाँ पे आप रख पाओगे। ये पैनल आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो ये आपको विंडोज से रिलेटेड सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का स्विच भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो ये पैनल पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है और ये आपको सॉफ्ट टच में देखने को मिल जाता है। इधर आपको एक ये लाइट देखने को इधर मिल जाती है, और ये आपको एक स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है, और एक ट्विटर भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है। अब जो इसका ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो यहाँ से आप अपने ORVMs वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और दो ट्विटर्स आपको ये ए पिलर माउंटेड में मिल जाते हैं, एक स्पीकर इधर और एक स्पीकर उधर मिल जाता है। डैशबोर्ड आपको पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको ये डिफॉगर भी देखने को इधर मिल जाता है। और इधर आप देखेंगे आप हम इंडियंस का सबसे फेवरेट फीचर, तो वो यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है, जो कि बेसिकली सनरूफ है और ये इलेक्ट्रिकली मतलब ओपन और क्लोज़ हो जाता है। और आप इसे वॉइस कमांड से भी ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको वॉइस कमांड से भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो फीचर के मामले में गाड़ी काफ़ी लोडेड है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं, उसकी आपको लिस्ट भी यहाँ पे शो हो रही होगी, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। सीटिंग कंफर्ट की बात करें टाटा नेक्सॉन .EV की, तो इस पे आपको अल्ट्रा कंफर्ट आपको ऑफर कर देती है। इस पे आप 6 भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है। आप इसे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं रीच के लिए और हाइट के लिए, और एज वेल एज आप इसका रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर सकते हो, जो कि सारी की सारी चीज़ें आप मैन्युअली ही चेंज कर पाओगे। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो यहाँ पे स्टिचिंग है वो ब्लू कलर में दे दी गई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम आपको फील होगी। और ये साथ ही साथ क्योंकि वेंटिलेटेड सीट है तो आपको ये टेक्सचर यहाँ पे आपको शो होगा। और इसका हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है काफ़ी स्पोर्टी। तो गाइज अब चल के बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन .EV के सेकंड रो को, कि वहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं और ये कितनी प्रैक्टिकल है वहाँ पे। तो गाइज अब आ चुके हैं टाटा नेक्सॉन की सेकंड रो पे, तो यहाँ पे जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको सेकंड रो पे काफ़ी स्पेसियस फील होने वाली है आपको। यहाँ पे आपको ये सीट जो है काफ़ी अल्ट्रा कंफर्ट ऑफर करने वाली है। ये सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है, यहाँ मुझे प्रॉपर नी रूम मिल रहा है। हेड रूम की बात करूँ तो हेड रूम भी मुझे सफिशेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और थाई सपोर्ट जो सीट है ना वो काफ़ी थाइट सपोर्ट है, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत छोटी नहीं है, जिसमें से आपको अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स भी करते हो यहाँ पे या लॉन्ग राइड्स करते हो तो आपको कोई फटीग यहाँ पे नहीं मिलेगा।
उसी के साथ यहाँ पे आप बात कर लेते हैं फीचर्स की कि आपको सेकंड रो पे कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको ये 45 वॉट का एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पे आपको ये एसी वेंट्स रियर एसी वेंट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप अगर इधर साइड दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो वो अपने अपने साइड का एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ इधर आप देखोगे तो ये फोल्डेबल ग्रैवलर आपको मिल जाता है, जिसका जो फील है टच करने का वो काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ है कि आपको हुक भी अवेलेबल करा दिया गया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में गाड़ी सॉर्टेड है, आपको यहाँ पे स्पेसेस काफ़ी मिल जाती है। और इधर आप देखोगे तो ये आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, उसके साथ आपको दो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, ये कि पूरा का पूरा लेदर में है। तो जो गाड़ी है वो काफ़ी प्रीमियम फील होती है यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको यहाँ पे कि जैसे अगर आप गाड़ी देखते हो नॉर्मली तो वहाँ पे ये हम्प होता है, तो हम्प के वजह से क्या होता है कि तीन लोगों का बैठना थोड़ा सा टाइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये हम्प जो है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से यहाँ पे तीन लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और इसके हेडरेस की बात करें तो आपको दोनों ही पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई तीसरे पैसेंजर्स के लिए हेडरेस नहीं अवेलेबल कराया गया है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कोई बच्चा या किड ही बैठ पाएगा नॉर्मली, तो उसके लिए हेडरेस की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप देखोगे तो इधर आपको कोई मैगजीन होल्डर या फिर कुछ उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, बेसिकली यहाँ पे आपको सीट बेल्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं और एक आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का माउंट भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं डोर के अंदर स्पेसेस की। तो डोर के अंदर आपको जो है वो बॉटल रखने की स्पेस मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। आप मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बॉटल आ पाएगा, आप आधे लीटर का बॉटल रख पाओगे लेकिन। और यहाँ पे आपको पावर विंडो का एक स्विच दे दिया गया है और ये स्पीकर है JBL का। और ये एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये डोर ओपनिंग एरिया, डोर ओपनिंग या क्लोज आप जो भी बोलो, तो ये बंद करने के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। और ये जो डोर हैंडल है इसका फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपको पूरा का क्रोम में देखने को मिल जाता है। और एक ट्विटर भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि टाटा की गाड़ियों के अंदर आपको बेहद ही शानदार म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल करा दिया जाता है। इनके अंदर हरमन और JBL के ही स्पीकर से मेनली आपको अवेलेबल कराते हैं ये, जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको टोटल 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें से 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सब बूफर मिल जाता है, जो पूरा का पूरा सेटअप JBL का है। तो अब अगर इसके वेरियंट्स की बात करें तो जो प्रीवियस टाटा नेक्सॉन EV थी उसमें आपको मिल जाते थे नेक्सॉन प्राइम और नेक्सॉन EV के वेरियंट्स, और अब उनका नेम चेंज करके यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉन्ग और मिड के वेरिएंट। तो लॉन्ग पे आपको रेंज मिल जाती है 465 किलोमीटर्स की, और इसके मिड वाले वेरिएंट में आपको मिल जाती है रेंज 335 किलोमीटर्स की। लॉन्ग में आपको मिल जाती है 40.2 किलोवाट आवर की बैटरी, और मिड वाले वेरिएंट में आपको मिल जाती है 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी। तो गाइस ये था टाटा नेक्सॉन .EV का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंटेंट मिस ना करें। थैंक यू।